दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आकाश कस्तूरिया। तो गाइज आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस देख ली होगी तो आपको आई होप बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो गाइज आज हमारी है थर्ड वीडियो और थर्ड एपिसोड इस सीरीज का, जो कि हम बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हैं। तो मन नहीं कर देना चाहिए ये वाली यात्रा बंद है अब कुछ दिन के लिए, ताकि आदमी लड़कू आवे ना। ये कहाँ लगा हुआ जाम? जाम कहाँ लगा हुआ? सब जाम ऊपर तक ही लगा पड़ा। ये क्यों लगा हुआ? ये जो बस है ना बड़ी बड़ी, इनके सिंगल रोड है ना ये। दोस्त जाम लगा है बहुत गंदा वाला और हम फंस गए हैं यहाँ पे। भाई फंस गए हैं पूरी तरह से। बस हम कब के निकले? 12 बजे के निकले थे और सुबह के बज गए 4। भाई रुक जा रुक जा रुक जा। गाइस कल शाम से लगे लगे सुबह हो गई, 6 बज गए और अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है, रास्ता ब्लॉक है आगे और जा नहीं पा रहे हम। बाकी आप व्यू देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम। देखो आगे सचित बाबा और प्रिंस भाई गाड़ी निकलवाते हुए। गाइस पूरा चौक हो चुका है, देखिए ये ऐसा नहीं है पब्लिक अंदर जाके बैठ जाए। ये देखिए सब मजे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। आप पिकनिक बन गया है। ये देखो कोई फोटो शूट करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। और देखो इतनी मुश्किल से हम रास्ता खोलते हुए यहाँ तक आए हैं वापसी। हम आगे नहीं जा पाए गाइस, आगे पूरा ब्लॉक पड़ा है, एकदम ब्लॉक है, सब बंद पड़ा है, जाने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमने थोड़ा सा दिमाग चल गया था हमारा, तो हमने बीच रास्ते से वापसी ले ली है। हाँ जी, और हम चल दिए अपने घर की ओर जा रहे हैं वापसी। और देखो पब्लिक देखो कितनी है, अभी पता नहीं कब जाएगी कब पहुंचेगी कब अपने घर जाके बच्चों से मिलेगी। हाँ कोई भरोसा। और आगे पता नहीं मौसम खराब हो जाए कुछ हो जाए तो दिक्कत यहाँ भैया। इसलिए जो सही लगा हमें हमने वो निर्णय लिया, तुरंत डिसीजन लेके अपना बैक कर दिया है। बात तो सही है। और आपको दिखाएंगे लाइन देखो कितनी दूर तक लगी हुई है, बहुत तगड़ी लाइन लगी हुई है पीछे तक। ये देखिए आप देख रहे हो छोटी छोटी लाइन, ये सब जो है लाइन है, ये पूरा लगा है पीछे तक। बताएंगे ये रास्ता बताएंगे गाइस से बताएंगे। रात 3 बजे से हम लगे हुए हैं, अभी दिन निकल गया है, सुबह के बज रहे 6 और टाइमिंग को देखने के बाद देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। वॉकी टॉकी के सहारे हमने जैसे तैसे करके हमने अपनी गाड़ी अपना जाम खुलवाया, गाड़ी आ गई ये रही। प्रशासन जाम में से बाहर है, प्रशासन भी आ चुका है, पता नहीं कितनी देर का और जाम है। मैं चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को कुछ देखना चाहिए, क्या है ये यमुनोत्री के प्रशासन को, क्योंकि हमारा किसी भी तरह से मदद नहीं करा। हमने खुद ये रही टॉर्च जिसे ले गए, हमने गाड़ियाँ हटवाई हैं जैसे तैसे करके, अपनी गाड़ियाँ निकलवाई हैं, वापस कर दिए गाड़ियाँ। अभी यहाँ आई है हमारी, हम 3 दिन में यहाँ, और अभी तो पता नहीं और नीचे तक और देखते हैं किस तरह से निकलती है गाड़ी, थक चुके हैं बुरी तरह से। चलाइए गाड़ी, हाथ पैर दुख गए, अपने घर निकल लो फायदा। वो सौ बहुत सर गाड़ी को देख के ये आई है, पहली गाड़ी को देख के जो गाड़ी थी अब जा भी नहीं है बसे, ये जो बड़ी बस है ना इनकी वजह से। गए सबको बताते हुए चल रहे हम कि क्यों जाम लगा हुआ है आगे, और हर कोई हमसे पूछ रहा है कि इकलौती हमारी ही गाड़ी ऐसी है जो वापसी आई है, ये तो सारी इस तरफ ही लाइन में लगी हुई है। ये देखिए गाइस, ये बाबा और प्रिंस भाई दोनों लगे हुए हैं गाड़ी खाली, रोड खाली कराने के लिए। हाँ जोड़ लो यहीं से, हाँ जोड़ लो यहीं से। A few moments later. हर हर महादेव, हर महादेव। ये फोटो, ये फोटो। तो दोस्तों इतना जाम खत्म करने के बाद, ओ माय गॉड, अब जाके रिलैक्स होके बैठे हैं। रोड अब हुआ है खाली। क्या टाइम हो गया? 7:07 बज गए। ओ माय गॉड। तो दोस्तों नीचे तो उतर आए हम ट्रैफिक में से निकल के, और यहाँ पे देखिए झरना बह रहा है, ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए झरना बह रहा है।
ये बात। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी। कॉफी ये देखिए, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये देखिए 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 चाय वाले। हल्का मीठा रखना है, हल्का मीठा रखना, तेज मीठा। अरे नॉर्मल कर दो भैया। कितनी पो चारीन वाली सब आप डल रहे हैं? 8 टन इसमें डले जा रहे हैं कॉफी के पाउच। हाँ जी, क्या बना रहे हो सुबह हमारे लिए नाश्ते में? हम आपके लिए बना रहे हैं कॉफी। ये हमारी देखो कॉफी बन के तैयार हो रही है। कॉफी तो आप नए स्टाइल में बना रहे हो, चिमटा लेके? डोली अपने स्टाइल से बनाता है, सचिन भाई अपने स्टाइल से बनाता है। और ये बिठा रखा है ये जोंगा है। जोंगा। तो दोस्तों कॉफी हमारी बन गई है और इसलिए हम करेंगे चीयर्स। चीयर्स। आप भी मजे ले लीजिए इस कॉफी के, कॉफी का। और इन वादियों में ये देखिए गाइस, ये इन वादियों में लग रही है बढ़िया कॉफी। आह मजा आ गया। अब हम जा रहे हैं उस मंदिर की ओर। मंदिर का नाम है राज राजेश्वरी और हमने गाड़ी खड़ी कर दी है वहाँ पे। वहाँ पे राहुल बाबा सो रहे हैं क्योंकि वो पूरी रात के जगे हुए हैं। बाकी अब हम चल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा हमें और फिर आपको पहुँच के दिखाएंगे वहाँ की लोकेशन, क्योंकि हम यमुनोत्री तो जा नहीं पाए। मगर यहीं से कहा जाता है कि यमुना नदी जो है, यमुना माता यहाँ से होती हुई गुजरती है और इसमें जो मंदिर है उनके चरणों को छूते हुए निकलती है, तो इस वाली मंदिर की ये मान्यता है। तो हम चलते हैं वहाँ पे। So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और कितना खूबसूरत रास्ता है। बहुत दूर तक है ना? हाँ, अभी थोड़ी दूर है और थोड़ा रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा हमें खुद से। नहीं अभी तो पहले हमें इस गांव में जाना पड़ेगा, ये छोटा सा गांव है ना यहाँ का। हाँ। और देखिए वो रहा मंदिर, ये देखिए ये रहा। सो दोस्तों स्टार्ट कर दी हमने ट्रैकिंग, ये मेन रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और पीछे चल रहे हैं हम सचिन जी, हम थक गए हैं, बहुत थक गए क्योंकि पूरा गांव एक्सप्लोर करते हुए आए हम। पूरा गांव जैसे हम अभी ऊपर जाके दिखाएंगे आपको, क्योंकि वहां से व्यू बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत बढ़िया व्यू आएगा अभी ऊपर। ये देखिए तो ऊपर से बैक साइड में गाइस राहुल बाबा भी आ चुके हैं, वो मेन रोड पे हैं, वो नीचे आएंगे। हम दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए वो जो कार खड़ी है ना वहां पे है अभी वो। ये देखो ये आ रही है, ये होते 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 यहाँ तक आएंगे हमारे पास तक। बाकी गाइस आप व्यू देखो कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से। ओए होए ये खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिल सकती, ये जो खूबसूरती है कहीं नहीं मिलती गाइस। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर का मेन गेट और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं पूरे गाँव का। ये नीचे अब हम चल रहे हैं अंदर की ओर। पहले पूछ लो, चलो जी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पूरे वादियों में पहाड़ के ऊपर आके मंदिर है माता का। ये जो है मंदिर बंद है, अब मंदिर क्यों बंद है ये बताएंगे। ये यहाँ के कोई जो चौधरी, अभी हमने पहले बताया था कि वो भाई मिले थे, उन्होंने बताया था कि जो ये माता हैं ये अभी गंगोत्री गई हुई हैं। हाँ, क्योंकि अभी पट खुले हैं तो यहाँ की जो मूर्ति है तो गंगोत्री गए उनके दर्शन कराने के लिए, इस वजह से अभी बंद है मंदिर। बाकी यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। देखिए गाइस यह है यमुना जी जो कि यमुनोत्री से सीधा यहीं से होती गुजरती है। मंदिर से तो हम बाहर आ गए हैं, अब हम सोच रहे हैं नीचे जो यमुना जी बह रही हैं उनके दर्शन कर लिए जाए। गंगा जी, यमुना जी हैं, यमुनोत्री हैं यार। अच्छा ha ha ha।
सचिन बाबा और राहुल बाबा आगे चल रहे हैं रास्ते दिखाते हुए, और व्यू देखो यहाँ से कैसा है नीचे। हाँ जी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि मंदिर से नीचे रास्ता जो हम जा रहे हैं ट्रैक पे, इसके यहाँ पे जो एंड में क्या है कुंड है गर्म पानी का, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं जाके स्नान किया जाए। तो हम चारों ट्रैक करके इन वादियों में उस कुंड के पास जा रहे हैं। अब रास्ता देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ, अब जिगजैग रास्ता हो गया है और नीचे नदी बह रही है जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज है, आप आई होप आप सुन सकते हो। ये देखिए ये नीचे दोनों जा रहे हैं और नीचे ये रहा पानी बह रहा है, खूबसूरत नज़ारा आपका। जो यमुना माता मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था वो हम नीचे आ चुके हैं और हमने पूरा पहाड़ क्रॉस किया है गाइस। ये देखिए ये पहाड़ के पीछे से हमने स्टार्ट किया था और अब हम इस पहाड़ के इधर आ गए हैं। अब नीचे चलते हैं और उस कुंड को ढूंढते हैं। चलिए सो दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं, आइए मेरे साथ। ट्रैक जो है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला था जो कि हमने पार कर लिया है, थोड़ा सा दूर और रह गया है, बाकी आपको नीचे पहुंच के दिखाते हैं। चलिए गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं गुफा है, इसके अंदर जाना है और उसके बाद है गरम कुंड, वो तो अच्छा है देखते हैं। तो गाइस चलिए चलता हूँ गुफा के अंदर और दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे हमें कुंड मिलता है या नहीं। भाई बहुत हॉरर गुफा है ये, मच्छर है यहाँ पे। गुफा को क्रॉस कर दिया, बड़ी थी मैं इतनी बड़ी नहीं थी, और इधर आगे देखो ये। सो गाइस कुंड तो हमको मिल गया है फाइनली, बहुत मेहनत लगी क्योंकि एक पहाड़ को पूरा क्रॉस करने के बाद, ट्रैक करने के बाद जो हम नीचे आए गुफा को क्रॉस किया, कुंड तो मिल गया है देखिए ना। मगर गाइस इसमें पानी पूरा नहीं भरा हुआ जो हमने सोचा था कि पूरा जैसे पूल में होता है पूरा कुंड होता है नहा सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है। तो अभी देखते हैं कि हम क्या डिसाइड करते हैं कि क्या ऐसे ही खुले में नहाते हैं, वही करना पड़ेगा जो है देखते हैं। गाइस देखिए सन बात लेते हुए दोस्तों एक तरीका हमने क्या निकाला है, वो तरीका ये निकाला है कि जो गर्म कुंड का पानी है इसको और जो नॉर्मल पानी है ठंडा वाला इसको मिला के नहाने का। ये देखिए ऐसे नहाएंगे अब हम, क्योंकि ठंडे पानी से हम नहा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड है, इसलिए हम मिला के नहा रहे हैं। ये गाइस मैं आपको बता नहीं सकता कितना गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और इधर चिल्ड पानी है। ओ दोस्तों मेरे साथ ना प्रैंक हो गया, गरम पानी तो इन्होंने यहाँ से भरा था, उसको इन्होंने बाबा ने क्या करा मेरे को बिठा के वहां डाल दिया और ठंडा पानी पूरा मिला लिया, मेरा सिर सुन हो गया, बहुत तेज सिर जो है सुन हो गया भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार बहुत मजा कर रहे हैं। ये ये ये
बहुत हो गया, अब पुलिस का सहारा नहीं, जो पूजा रखता है वही जिएगा। अब पुलिस का सहारा नहीं चाहिए, जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है। जय श्री महाकाल। सो गाइस, वोरी नदी वहीं गए थे हम, पहले यहाँ गए नीचे नीचे, फिर मंदिर के पास होते हुए पल्ली तरफ गए थे पहाड़ के, फिर वहाँ नहाए धोए, अब ऊपर आए। तो गाइस सच में इतना लंबा ट्रैक करके गए और अब नहा धो के ऊपर आए हैं, हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। अब चल रहे हैं हम अपनी गाड़ी के पास, वहाँ कुछ खाने का देखेंगे, फिर निकलते हैं आगे की ओर। पूरी लाइन लगी हुई है पीछे तक, और अभी भी खत्म नहीं हो रही है। हमने अच्छा डिसीजन ले लिया ना बाबा तुमने, कि हम रात को ही हम रात को ही निकल लेते हैं। हम मंगल बुध वहाँ थे यार, ये भी बात है। अच्छा हम रात को ही दिमाग चल गया इनका कि भाई निकल ले लो, आगे जाने का फायदा नहीं है, तब जाके आते आते गाड़ी देख कर उड़ा गया। अरे कुछ नहीं, गाड़ी ना चल रही, क्यों भाग रहे हो तुम? कल रात को हमने यहाँ पे खाना बनाया था, ये वही जगह है, या हम फिर से रुके थे, या हम फिर से रुके थे, मुझे फ़ोन वगैरह चार्ज करना था, क्योंकि हमने अब से जब से घर से निकले अभी तक एक भी बार होटल वगैरह बुक नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसा मिला ही नहीं जहाँ पे हमें होटल बुक करना पड़े। तो दोस्तों चाय पी के थोड़ी ही दूर चले थे और हल्का सा ही रास्ता कवर हुआ था, तो देखिए कैसा मौसम हो गया, मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई बहुत तेज। हम तो भैया पहाड़ों में फंस गए, ना इधर जा पा रहे ना इधर जा पा रहे, हमारा तो सफर ही जाम में फंसा रह गया। देखो हम दिखाता हूँ तुम्हें बारिश, ये देखिए ये देखिए पूरी बारिश ही बारिश बंद हो गई। तो दोस्तों बारिश ख़त्म हो गई थी, फिर हमने बहुत ज़्यादा रास्ता कवर करा और अब हमने गाड़ी रोकी है इस लोकेशन पर कि थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पी ली जाए, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो चुका है और कॉफ़ी बन रही है गाइस। कॉफ़ी पी के फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे हम। सो गाइस कॉफ़ी बन चुकी है हमारी, गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हैं, सुहाने मौसम में। देखो सुहाना मौसम, मौसम बहुत प्यारा हो गया वैसे बारिश की वजह से। ये देखिए गाइस, देखिए हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। सो दोस्तों चले रास्ता पूरा कवर करा पूरी रात, अब हम आ चुके हैं हरिद्वार में और अब कर रहे हैं हम अपना डिनर, क्योंकि हम पूरे थके हुए हैं और खाना खाया नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो पहले टारगेट था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, हरिद्वार पहुंचना था, ऋषिकेश चाहते थे पहुंचना, बट वहां में सही लगा नहीं, क्योंकि सब मार्केट वगैरह बंद हो गई थी, तो हमने सोचा चलो हरिद्वार में रुकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं अपने घाट की ओर, अब यहाँ पर हम आराम करेंगे वही कल वाले जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी हमारी, और वहीं पे आ चुके हैं अब यहाँ पे हम आराम करेंगे। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा हमारी इस एडवेंचर जर्नी में। अरे शेयर करें, सब्सक्राइब करें आकाश कस्तूरिया ब्लॉग्स को। ओके बाय बाय।